जरा भी मत शर्माओ, मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था। फिर कौन है आप? मैं आपका पड़ोसी, रंजीत है मेरा नाम। वैसे इस घर का एक सदस्य भी हूँ और आपके पति अशोक बाबू का दोस्त भी। वो कहाँ है? यही बताने तो मैं आया हूँ। वो नहीं आएंगे। अब तुम पूछोगी वो क्यों नहीं आएंगे, तो इसका मेरे पास एक ही जवाब है, मैं नहीं बता सकता। फिर तुम पूछोगी क्यों नहीं बता सकते, धीरे धीरे तुम खुद ही सब जान जाओगी। आप निकल जाइए यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैंने सोचा तुम इंतजार कर रही होगी तो तुम्हें चलकर बता दूं, फिर मुंह दिखाएगी रसम भी तो करनी थी। देख लिया ना मुंह, अब चले जाइए यहाँ से। अभी तो मुंह देखा है, तारीफ भी तो करनी है। बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, फिर भी किसी मर्द की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रंजीत बाबू, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। कमाल है, हमने तो अपनी हद पार ही नहीं की। तुमसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना? फिर किसी सुहागन को उसका पति रात में अकेला तड़पता छोड़ दे तो हमदर्दी की जरूरत होती ही है, क्यों? ठीक है ना? गुस्सा क्यों होती हो? मैं चलता हूँ, फिर भी किसी मर्द की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। चाय पी के जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन के लिए जाना है। जी। क्या आप भी अखबार ही पढ़ते रहोगे, ऑफिस नहीं जाना है? अरे जाना है भाई, नाराज क्यों होती हो? सोचा थोड़ा अखबार भी पढ़ लूं और दुनिया में देखता हूँ क्या होता है। दुनिया की खबरों की छोड़ो और घर की खबर पर ध्यान दो कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा बताओ? आप ये बात छोड़ो, मेरी एक बात सुनो। क्यों, फिर से कोई नया मेहमान आने वाला है क्या घर में? आपको तो मजाक ही सूझता है। क्यों, चलो ठीक है। अच्छा बताओ क्या हुआ था? मैं अशोक के कमरे में गई थी चाय लेके, वहाँ मैंने देखा वर्षा के जिस्म से एक जेवर भी नहीं उतरा है। तो ठीक है, उसमें क्या बुराई है? हा? अच्छा कमाल है, आप इसका मतलब नहीं समझते। अरे नहीं, तुम समझाओ क्या हुआ। लगता है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अरे हुआ नहीं तो हो जाएगा यार, चलो उसी बहाने हम अपनी दोबारा सुहाग रात मना लेते हैं ना। आपको चलो ना, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ भाई, शर्म किस चीज की? एक तो लड़की जवान होने वाली है और आपको ऐसी बातें सूझती हैं। वो तो अच्छा है वो हॉस्टल में रहती है, वरना आप तो जब देखो तब चालू हो जाते हो। तो प्रॉब्लम क्या उसमें? वो बेचारी पढ़ाई की वजह से चाचा की शादी में भी नहीं आ सकी। अरे जिस हाल में उसकी शादी हुई तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। एक तो बड़ी मुश्किल से तैयार किया और जिस हड़बड़ी में उसकी शादी हुई उसमें बेचारी को छुट्टी नहीं मिल सकी, इसके लिए वो नहीं आ सकी। चलो ठीक है, दोबारा आ जाएगी तब मिलेगी। ठीक है चलिए, अब आप नहा धो के तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ।
क्या बनाओगी? मेथी के पकौड़े? ठीक है। ओके। क्या कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा ना यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गुड मॉर्निंग अशोक बाबू। क्या बात है, आंखें सूजी हुई हैं, लगता है सोए नहीं रात भर, कैसी रही? अब प्लीज अपना काम करिए। क्या बात है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, देख लो पेट्रोल है कि नहीं, कुछ होगा ही नहीं अंदर तो स्टार्ट कैसी होगी? कहो तो धक्का मार दूं? नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं। धक्का मारने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं। चलो स्टार्ट तो हुई। मार डाला। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। छोड़ दो मुझे, जब देखो छेड़ते रहते हो। हाँ। कहा था झुमके ला कर दोगे, वो दिए तुमने? ला देंगे रानी, पहले गले तो लग जाए। चलो हटो। कहा था कि झुमके ला कर दोगे, वो तो नहीं दिए। और शादी में लड़कियों को ऐसे घूर घूर के देखते हो, मेरी तरफ देखा था कभी? गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो घर के खेत की मूली हो, तुम्हारी फरमाइश तो जब चाहे तब पूरी कर देंगे। चलो हटो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? कभी फरमाइश करती हो, कभी कहती हो पसंद नहीं है। एक बार मेरे साथ चलो रानी, फिर किसी और को पसंद नहीं करोगी, मेरे नाम की माला जपती रहोगी। चलो हटो। बहुत देखे तुम जैसे बेवकूफ बनाने वाले। सुनो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हाँ। मीना, क्या हो रहा है ये? जाओ किचन में जाकर हाथ बटाओ। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रणाम। अब तो आपको घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तो नई बहू आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी। तुम अपनी औकात में रहो और मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। नहीं देते सलाह, फिर भी आपके देवर की रात कैसी कटी? रंजीत बाबू, आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? शर्म तो बहुत आती है, फिर भी पूछ लिया, बुरा लगा है तो नहीं करते। कांती भाई फिक्र मत कीजिए, सब कुछ सही है, फोन किया था। हाँ हाँ ठीक है, वो तो होना ही था। रंजीत लेट हो चुके, चलो चलिए, जल्दी चलो ना यार। प्रणाम भाभी जी। संभल क्यों रंजीत? तू मेरी बीवी का हाथ बहुत ज्यादा पी लिया, पहली बार पी वर्षा मेरी बीवी है। अरे रंजीत, तूने मेरी बीवी को पकड़ा कैसे? वो सिर्फ मेरी बीवी है, वर्षा मेरी बीवी है। अशोक बाबू, हमने तो आपको पकड़ा है, चलिए उठिए आइए। रंजीत, मेरी बीवी को क्यों पकड़ा तू? वाह, अशोक छोड़ मेरी बीवी का हाथ। अशोक क्या हुआ तुम्हें? क्या बताएं, क्या हुआ इन्हें? पहली मोहब्बत और पहला जाम का नशा आदमी को मदहोश कर देता है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ इन्हें? अरे भाभी, आप तो खामखा परेशान हो रही हो, आप तो जानती ही हो
दारू पी के इंसान का क्या होता है और जो पहली बार पीता है उसका यही हाल होता क्या? है। क्या? इन्होंने दारू पी रखी है? दारू नहीं अशोक, मदिरा, शराब, शराब पी है और मैंने भी पी है। फर्क इतना है अशोक बाबू अपने होश खो बैठे हैं और मैं होश में आ गया हूँ। रंजीत बाबू नहीं रहता काबू। शर्मानी चाहिए आपको ऐसे हरकत करते हुए। कमाल है, एक तो मैं इन्हें नशे की हालत में दारू के अड्डे से घर तक लेकर आया और आप मुझे ही डांटती हैं। थोड़ा प्यार से बात कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आप मत लगाना मुझे। चलो नहीं लगाते। और निकल जाइए यहाँ से। ये भी मान लेते हैं। अच्छा हम चलते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। निकल जाइए। चले आएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। अरे रे हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले 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 बालों ने, गोरे गोरे। यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? क्या बताएं भाभी जी, अशोक बाबू ने थोड़ी दारू पी ली थी तो गिर पड़े, सोचा उन्हें घर तक छोड़ के तो चले आए। क्या अशोक ने दारू पी और गिर पड़े? कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी ना? आपको पता तो है हम झूठ नहीं बोलते। हाँ मुझे पता है तुम सच भी कितना बोलते हो। हम वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें संभाल लिया, सोचा हिफाजत से घर तक छोड़ दे, सो चले आए। लगता है आज रात सुहाग रात हो ही जाएगी अशोक बाबू। रंजीत अपनी बकवास बंद करो, चले जाओ यहाँ से। चले जाते हैं, चले जाते हैं, नाराज क्यों होती हो? चल जाओ यहाँ से। अब आप बिजनेस रिपोर्ट पढ़ने लग गए? क्यों, क्या काम है? मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे यार एक नहीं हजार बात करो, इसलिए तो हम बैठे हैं। बताओ क्या बात? देखो है? देखो अजय मेरा मजाक का मूड नहीं है। ठीक है चलो मजाक नहीं करते, बताओ क्या बात है? रात को अशोक शराब पी कर आया था। क्या? हाँ मैं सच कह रही हूँ। लेकिन अभी तक तो उसने ऐसा नहीं किया, अभी कैसे कर रहे हो? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, आखिर उसको ऐसा क्या गम है? अच्छा एक बात बताओ, वो शराब पी कर आया तुम्हें कैसे पता चला? रात को रंजीत आया था उसे छोड़ने के लिए, मैंने उसको अशोक के कमरे से निकलते हुए देखा। अच्छा तो उसने बताया, शायद रंजीत ने तो नहीं पिलाई ना? नहीं यार, रंजीत ऐसा क्यों करेगा? आपको रंजीत पर बड़ा भरोसा है? भाई रंजीत मेरा बिजनेस पार्टनर है, बचपन से मेरे साथ में है, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो अपना दुश्मन नहीं हमदर्द है। ये आपकी गलत फहमी है, आप अपने बिजनेस की वजह से उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हो। यार तुम खाम का रंजीत के पीछे पड़ी हुई हो। मुझे उसका इस घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गलती अशोक की है और तुम रंजीत के पीछे पड़ी हुई हो। रंजीत बचपन से इस घर में आता जाता है, मैं उसे किस तरह आने से रोक सकता हूँ? ठीक है मेरा काम आपको समझाना था, आगे आपकी मर्जी, लेकिन अशोक को शराब पीने से तो रोकना होगा ना। ओके ओके। शराब, उससे बात करनी पड़ेगी।
आप मुझसे नाराज हैं? मैं भला क्यों तुमसे नाराज होने लगा? तो आप मुझे पसंद नहीं करते? ऐसी तो कोई बात नहीं, अब माई है कि ओ। तो फिर क्या वजह है जो आप मुझसे नफरत करते हैं? मैं आपको जाने नहीं दूंगी जब तक आप मुझसे नफरत की वजह नहीं बताते। वर्षा प्लीज, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। अशोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, कहिए। कल रात तुमने शराब पी थी? भैया वो क्यों? मैं आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। भैया अगर अभी इस घर में ऐसा होता हो तो इसके इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ? तो आपकी बातों का साफ साफ लफ्जों में ये जवाब है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने मेरी शादी क्यों की? इस घर का बड़ा होने के नाते मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ी, और तुम्हारी शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है भैया, गलती की है। और अब आप ये नहीं जानते कि आपकी सही गलती की वजह से अब इस घर में और ना जाने कितनी गलतियां होने वाली है। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी शादी की है शो। नहीं भैया, ये आप समझ रहे हैं कि आपने मेरे साथ भलाई की है, मगर आपने मेरे साथ भलाई नहीं, मेरे साथ ज्यादती की है। अशोक, ये क्या हो रहा है? अशोक, बड़े भाई से जबान चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरी शादी की, और अब इसका अंजाम मेरे साथ साथ आप सबको भी भुगतना होगा। तूने फिर मेरे सामने केला खाया? तो किसके सामने केला खाऊं बाबू? तुझे कितनी बार मना किया, मेरे सामने केला मत खाया कर। पर बाबू, आप एक बात बताइए, आपको केला खाना क्यों पसंद नहीं है? मुझे केले से नहीं, उसके छिलने से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उससे आदमी फिसल जाता है। अरे, आदमी फिसल जाता है? आपको देखकर तो मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन आप तो फिसलते ही नहीं। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, केला खा। ऐसे तिरछी नजर से क्या देख रही है? भरपूर नजर से देख, ये देख मेरी बॉडी देख, ये देख। क्या बॉडी है बाबू? क्या बॉडी है? और क्या मसल है आपके? कितना बड़ा सीना है? आपको तो देखकर मेरा दिल धक धक होता है। हाँ, आपका नहीं होता है? ए बाबू, सुनो ना, ऐसा करते हैं हम लोग मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ है? हाँ, जलता है बदन ओ मेरे सजन, जलता है बदन ओ मेरे सजन, देख मेरा दिल न जला, आके मेरी प्यास बुझा। जलता है बदन ओ मेरे सजन, जलता है बदन ओ मेरे सजन। रातों को नींद न आई मुझे, ख्वाबों में देखा करूं मैं तुझे, करवट बदलती रहती हूँ मैं, दिल की तड़प
को सहती हूँ मैं, अपना बनाना है, नजदीक आना है, दुनिया बसाना है मेरे सजन, मेरे सजन। जलता है बदन ओ मेरे सजन, जलता है बदन ओ मेरे सजन। कर रहे हो? बस मदद कर रहा था तुम्हारी। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से। अभी तक कुछ किया ही कहाँ है, कुछ भी तो नहीं किया। तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे। खामोश, खबरदार एक भी लफ्ज आगे बोला तो। नहीं बोलेंगे, हम तो अशोक बाबू के बारे में बताने आए थे, मगर अब वो भी नहीं बताएंगे। क्या हुआ अशोक को? अशोक बाबू आजकल दारू के अड्डे पे लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लगता है उनकी मर्दानगी जाग उठी है। जो तुम्हें कहना था तुम कह चुके और मैं सुन चुकी, अब निकल जाओ यहाँ से, वरना चिल्लाऊंगी मैं। चले जाएंगे, मगर मुझे भूलना नहीं, मेरी जरूरत पड़ सकती है। निकल जाओ। वर्षा, वर्षा, मेरे मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। वर्षा, मैं क्यों नहीं शादी करना चाहता था, ये किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। वर्षा, किसी ने भी नहीं। तुम पूछती थी ना वर्षा, मैं तुमसे क्यों दूर भागता हूँ, नफरत करता हूँ तुमसे, क्यों क्यों मैं बात नहीं करता तुमसे। तो सुनो वर्षा, सुनो, आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहता हूँ। मैं अपने आप को औरत के काबिल ही नहीं समझता वर्षा। शादी के नाम से ही मुझे नफरत है वर्षा। हाँ, नफरत। मुझे लगता है कि मैं नपुंसक हूँ, नपुंसक। मैंने तुम्हारे साथ शादी करके तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया वर्षा, नाइंसाफी किया मैंने तुम्हारे साथ, नाइंसाफी किया मैंने तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ करना वर्षा। ये जल रहा है, पता नहीं चलता। अरे ये दिल जल रहा है उसका क्या? अगर तू विजय बाबू को चक्कर में आई ना तो मैं काट के लड़ दूंगा। अरे जा, हाथ लगा के तो देख, तू तमाशा हो जाएगा तमाशा। और सुन, ये विजय बाबू है ना, विजय बाबू क्या मसल है, क्या बॉडी है उनकी। और सुन, वो जब मुझे छूते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी मर्द ने मुझे छू लिया। अरे काय का मर्द, दोनों भाई एक ही तरह का है, सुहाग रात के दिन है ना,
अरे सुहागरात के दिन अपना बीबी को छोड़ के वो शराब के अड्डे पे जाके डालू पी के बाजारू लड़की के साथ में सुहागरात मना के आते हैं। उसके बाद घर में ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। गाय का मलद यार, उससे अच्छा मलद तो मैं हूँ। मिल गया। क्या बात है वर्षा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा था। देखो वर्षा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह उलझने पैदा कर लेने से, अपने आप को जलाने से आखिर क्या फायदा होगा? ये समस्या हल तो नहीं होगी। मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शादी से लेकर आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की और मेरी शिकायत तक नहीं की। मैंने उनसे लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती। हाँ, सलाह जरूर दे सकती हूँ। मैं आपकी हर सलाह मानने को तैयार हूँ। देखो वर्षा, औरत में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने हुस्न, अदाओं और जवानी से इंसान को तो क्या पत्थर को भी पिघला सकती है। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, तुम्हारे लिए आसान है, मुश्किल नहीं। लेकिन ये सब तो तब हो सकता है ना, जब वो मुझसे बात करे, मेरे करीब आए। करीब आना तो दूर, वो मुझे देखना पसंद नहीं करते। मुझे बार बार यही वहम होता है कि वो किसी और को चाहते हो। नहीं वर्षा, अशोक ऐसा नहीं है, उसने आज तक किसी भी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। तो फिर क्या बात है दीदी? क्या बात है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बताओ ना दीदी, बात आप कहते तो रुक क्यों गई? अशोक अपने आप को नामर्द समझता है। क्या? वो अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझता। मैं नहीं मानती। ये बात सच है, ये मैं नहीं कह रही। अशोक एक दिन शराब पीकर हमारे कमरे में आ गया था और इस घर में क्या हो रहा है बहू? मैं आपका मतलब नहीं समझी माँ जी। इस घर में आज तक किसी ने शराब को छुआ तक नहीं और अशोक अब इस घर में शराब पीकर आने लगा है। यहाँ तक कि अब वो घर में शराब पीने लगा है। जब से उसकी शादी हुई है उसका तो नेचर ही बदल गया है और वो उदास भी रहने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू में कोई कमी हो? माँ जी, आपको बिना जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बड़ा पक्ष ले रही उसका तो? नहीं माँ जी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मेरे लिए अशोक और वर्षा दोनों ही एक समान हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद आपके बेटे में ही कोई खोट हो। आप वर्षा के बारे में क्यों उल्टा सोच रही हैं? ये क्या कह रही हो बहू तुम? तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये जानकर भी अपने देवर की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? नहीं माँ जी, मैं किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला रही हूँ, मैं सिर्फ हक की बात कर रही हूँ। हमें पहले बात का पता लगाना चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मेरे दोनों बच्चों में किसी में खोट नहीं है, किसी में ऐब नहीं है। छोटी को समझा देना, मुझे साल भर में आंगन में खेलता हुआ बच्चा चाहिए, वरना उसको इस घर से बाहर निकलना होगा। ठीक है, समझा दूंगी। हाँ जानमन, हर वक्त काम में ही लगी रहोगी, कभी हमसे भी नजर मार लिया करो ना। मीना का जिस पे दिल लगता है ना, उसी को नजर मारती हूँ। हाँ, हर एक को नहीं। हाँ, आजकल पता चल रहा है कि तुम विजय बाबू से दिल लग गया तुम्हारा, उन्हीं पे नजर टिकी रहती है। क्यों, ठीक कहा ना? मुझे विजय बाबू पसंद है तो क्या हुआ? दिल है, मेरी मर्जी। हमें क्या बुराई है, कभी हमसे भी दिल लगा लो जाने मन, रानी बना देंगे रानी। अरे देखो, हाथ छोड़ो मेरा। लो, क्या करते हो? छोड़ दिया, हमारी एक आदत है, हुक्म कभी टालते नहीं। हाथ छोड़ने को कहा था, सीने से तो लगा ही सकते हैं ना। हाय दैया, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़िए ना, छोड़िए ना।
छोड़िए। ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो देख ही लिया विजय बाबू, और अगर हमसे सुनना चाहोगे तो प्यार मोहब्बत एंजॉय है। रंजीत, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? शर्म की बात करते हो तुम? जब तुम ये सब हरकतें करते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती विजय? हम करे तो गुनाह, तुम करो तो अच्छा। बस बस बहुत हुआ, अगर आज के बाद तुमने मीना की तरफ देखा या उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। विजय बाबू, हम तो चले जाएंगे, मगर इतना याद रखना, अगर हमने इस घर में आना बंद कर दिया ना तो तुम सब फुटपाथ पे नजर आओगे। ठीक है चल निकल। हाँ चलते हैं। एक भाई कहता है हाथ तोड़ दूंगा, एक कहता है मुंह तोड़ दूंगा, किसी में हिम्मत है कि हाथ और मुंह तोड़ सके? बोलो, सही कहा ना मैंने? रंजीत, समझता क्या अपने आपको? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, ये सब, ये सब मुझे पसंद नहीं है वाशिया। हाँ आपको क्या पसंद है मुझे बताइए, शराब तो आप पीते ही हैं, यही बैठकर पी लीजिए। रंजीत, 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 मैं खून कर दूंगा उसका। क्या क्या बोल रहा था वो? जानते हो बोला था तुम्हारा बटन बड़ा कोमल है, उसे उसे छुआ था तुम्हें, छुआ था तुम्हें? छूने की कोशिश तो की थी लेकिन मैंने झटक दिया। उसका यहाँ आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसकी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसके यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। अब कि वो घर आया ना, मैं उसका खून कर दूंगा, खून कर दूंगा मैं उसका। वो मेरे मेरे कमजोरी का पैदा फायदा उठाना चाहता है वो। कमजोरी? कैसे कमजोरी? मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, आपकी परेशानी का हल ये शराब नहीं है, और आपकी परेशानी का हल मुझसे दूर रहना भी नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, हम दोनों मिलकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, बताइए ना, मुझे बताइए प्लीज। वर्षा, वर्षा, मैं... ओहो, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, मैं आपकी पत्नी ही नहीं दोस्त भी हूँ। वर्षा, वर्षा, बात उन दिनों की है जब मैं बहुत बहुत ना समझता। हमारे पड़ोस में एक मिसेस कपूर रहती थी, मैं अक्सर उनके यहाँ आता जाता था, और मैं जब भी उनके यहाँ जाता था तो मुझे कुछ अजीब निगाहों से घूरती थी। हाँ, और उस दिन जब मैं उनके यहाँ गया। आओ। बहुत अच्छे लड़के हो तुम। नहीं आंटी, बहुत नहीं, आंटी, अच्छे नहीं। लेकिन तुम बहुत गंदी हो। तुम बहुत अच्छे नहीं आंटी, नहीं प्लीज, बहुत अच्छे प्लीज आंटी, नहीं आंटी, जाने बहुत बुरी हो तुम।
बहुत बुरी हो। उस दिन उनकी वो सब हरकतें मुझे बुरी भी लगी और खराब भी। मैं उस दिन के बाद कुछ दिनों तक उनके यहां गया ही नहीं। और अचानक एक दिन उसने फिर मुझे बुलाया और उस दिन भी वो मुझे उसी तरह बाहों में भरकर प्यार करने लगी। हाँ, और तभी जाने दो मुझे आंटी, क्या कर आंटी। अच्छा मेरी जान, तो मेरे पीछे गुलशन उड़ा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे चिपक रहा है। आप अरे बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। ए, तू क्या कर रहा है? अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया, मुझे बता दिए, अभी दिखाता हूँ तेरे को। चल छोड़ो मैंने तुझे। झूठ बोलती है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। उस दिन मैं बहुत डर गया वर्षम, मैं बहुत डर गया और वो डर आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ। उस औरत की हरकतों से मैं, उस औरत की गलत हरकतों से मुझे अरे जान से नफरत हो गई। मैं लड़कियों के पास जाने से नर्वस हो जाता हूँ वर्षा। हाँ मैं नर्वस हो जाता हूँ और उस औरत की हरकतों ने मुझे नपुंसक बना दिया है वर्षा, नपुंसक। आप में कोई कमी नहीं है, मेरी मानो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। क्या डॉक्टर को कंसल्ट कर लो? मतलब तुम ये मानती हो कि मुझमें कोई कमी है? नहीं नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप अपने दिल का वहम निकालने के लिए डॉक्टर से मिल लो। नहीं वर्षा नहीं, अब डॉक्टर को मिलने से कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां खत्म हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकते वर्षा, कुछ नहीं। तुम चाहो तुम उसे उसे तलाक ले सकती हो वर्षा। तलाक? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको कभी तलाक नहीं दे सकती। हाँ वर्षा, मुझसे तलाक मत लेना वर्षा, तलाक मत लेना। अभी तुम्हें सिर्फ तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तुम्हारे तलाक देने के बाद में मैं सोसाइटी में किसी से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा वर्षा, किसी से भी नहीं। मुझे माफ कर दो वर्षा, मुझे माफ कर दो। आप अपने आप को गलत मत समझो, आप में कोई कमी नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। और देखो सपने में भी मैं आपको तलाक नहीं दे सकती, कभी नहीं। तुम सच कह रहे हो वर्षा, प्लीज वर्षा मुझे तलाक मत देना वर्षा। तुम बहुत अच्छी हो वर्षा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे माफ कर दिया वर्षा। तुम बहुत खूबसूरत भी हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वर्षा, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना वर्षा। नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा वर्षा, नहीं रह पाऊंगा। लाइए मैं बांध देती हूँ। नहीं मैं खुद बांध लूंगा। आप मुझसे अभी नाराज है क्या? नहीं तो। अच्छा सुनिए, मेरी फ्रेंड की मदर सेक्स स्पेशलिस्ट है, ये रहा उनका विजिटिंग कार्ड, आप कहे तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लूं। वर्षा तुम्हें किसी से कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, और ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है। मेरी बात मानिए,
डॉक्टर की सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। वर्षा प्लीज, मुझे किसी बात के लिए मजबूर मत करो। सुनिए 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 सुनिए, तुम बेकार खुशामद कर रही हो उसकी, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी। हम है ना, हमसे कहो, हर मुराद पूरी करेंगे तुम्हारी। याद रखना। चलो, इसी बहाने हाथ तो लगाया तुमने। मार डाला, तोड़ डाला, मार डाला। अरे अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़ो ना, कोई देख लगा। हाँ अरे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसी बात नहीं है, सुनिए, है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे अपने, जैसे रंजीत बाबू के हुए थे। रंजीत बाबू के? हाँ। वो कैसे? पता है, वो नई भाभी से रंजीत बाबू ने ऐसी बात कर दी कि भाभी ने उसको ऐसा चाटा मारा कि वो अपना गाल सहलाता रह गया वो। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, रंजीत बाबू ने उल्टी सीधी बातें सुना दी और भाभी ने तो उसे छठी का दूध याद दिला दिया। बोलो ऐसा किया, छठी का दूध? हाँ। अच्छा, कोई तो हुआ जो अपने घर में रंजीत बाबू को थप्पड़ मारा, वरना मेरा तो दिल करता है कि उसका गला दबा दूं। अरे मुझे क्या हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। सॉरी भाभी भाभी। क्या करे बाबा? बस आपको बधाई दे रहा हूँ। ओ, किस बात के लिए? रंजीत को थप्पड़ मार के जो आपने काम किया है, उससे उसकी औकात उसको पता चल जाएगी। किससे कैसी बात करनी चाहिए ये उसे पता चल जाएगा। वो तो ठीक है, मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। मुझसे? क्या? वो ये कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारी अब शादी कर देनी चाहिए। शादी? और मेरी? आजकल बहुत मौज मस्ती करने लगे हो, है ना? मैं और मौज मस्ती? मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। उस नौकरानी के साथ तुम क्या गुलछड़े उड़ा रहे थे? मैंने देखा था तुम्हें मीना के साथ। अरे मुझे तो दिल लगाना है तो किसी अच्छी लड़की के साथ लगाओ, मीना तो हमारी सर्वेंट है। बस मैं तो यूं ही मस्ती कर रहा था। मस्ती के लिए एक हद होती है और हद को पार करना बेहयाई कहलाती है। देखो, अगर माजी और बड़े भैया को पता चला ना तो उन्हें बड़ा दुख होगा, और तो और अगर दुनिया वालों को पता चला ना तो हो गई तुम्हारी बदनामी। सॉरी भाभी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम ये दोबारा नहीं दोहराओगी। ओके, ठीक है, आज के बाद मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। याद रखना। ओके, नाउ यू कैन गो। आप में कोई कमी नहीं है, मेरी मानो। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आप में कोई कमी नहीं है। अशोक बाबू। ओ पांडे जी। हाँ, कहिए, क्या बात है? अरे बताओ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो बिजनेस में खोया हुआ था। झूठ बोल रहे हो, कुछ और ही सोच रहे हो। कहीं आप अपनी शादी को लेकर टेंशन में तो नहीं हो? नहीं बुरा ना, मैं अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अगर हर आदमी इसी तरह अपनी शादी के बारे में सोचता रहेगा तो दोस्ती यारी को कैसे याद रखेगा? मैं बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है पांडे साहब, ऐसे अपनी आप खाम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे सुनो, आप टेंशन में है, आपको एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आपको मैंने 2-3 बार दारू के अड्डे पर देखा है। अरे तो दारू तो आप भी पीते हो पांडे, उससे क्या होता है? अरे पीता हूँ मैं, खुशी में पीता हूँ, लेकिन आप टेंशन में पीते हैं।
तो क्या टेंशन में दारू पीने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। आपको एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आज भी याद है मुझे अपनी उस शादी की रात, सुहाग रात। सुहाग रात? लेकिन आपकी सुहाग रात से मुझे क्या लेना देना पांडे साहब? लेना देना है, मुझे याद हो शादी की रात। अरे आपको मालूम है अरे शादी के बाद मैं भी आप ही की तरह टेंशन में रहता था। याद है मुझे अपनी उस शादी की सुहाग रात, शादी की सुहाग रात। बैठी है अरे आई डोंट लाइक घूंघट उंगट। अरे हटाओ यार घूंघट, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, जमीन से चांद पे पहुंच गई है। हाँ तुम चांद जैसा मुखड़ा घूंघटे में छुपाए बैठी हो। अरे खैर छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा हुआ है, लेकिन घूंघट तो हटा दो मेरी जान। हाय क्या बात है, बहुत तड़पाया तुमने मेरी जान मन। हाँ तुम करीब आ जाओ। नहीं, मेरे पास मत आओ। क्यों भाई, मुझे शादी का लाइसेंस मिल गया है, हम रुकआउट किस बात की है? नहीं प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, नया स्टाइल दिखा रही हो, पहले तो मैं तुम्हें मनाऊंगा, फिर बताऊं, फिर घुमाने ले जाऊं। चलो ठीक है, वो सब तो करूंगा, लेकिन मेरे पास तो आ जा। जी 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 छोड़ो। अरे बहुत हो गया तेरा नाटक वाटक, अरे काहे को परेशान कर रही है। अरे तू तो ऐसे डरेगी जैसे मैं तेरा बलात्कार कर रहा हूँ। अरे चुप हो जा, कोई बात नहीं, रो मत। अरे कामिनी क्यों रो रही है, इतनी घबराई हुई क्यों है? अच्छा अगर तू कहती है तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाता। सॉरी। हे बाबा कहाँ फंस गया मैं, इस वक्त अच्छा मेरा बार अच्छा है। मैं परेशान हो गया, टेंशन में आ गया। अरे उस रात को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे और वो रोने लगी। अरे मैं तो ये सोचने लगा कि क्या करूं, मैं उसके पास गया, तीन चार बार जब मैं उसको हाथ लगाया तो उसने मुझे धक्के मार के हटा दिया। अरे उसी टेंशन में आके मैं शराब की अड्डी पर चला गया और वहां जाके मैंने खूब दारू पी। अरे दूसरे दिन भी उससे ऐसा ही किया और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। ये क्या कर रहे हो? अरे प्यार कर रहा हूँ। एक बात समझ लो, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, या तो छत से कूद जाऊंगी या तो जहर खा के मर जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? अरे मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, फेरे डाले, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहना है, समझी? मैं जानती हूँ ये सब, मगर मैं मजबूर हूँ। भगवान के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अरे इसकी कोई वजह तो होगी। अरे अब तक मैं तुम्हारी नादानी समझकर तुम्हें माफ करता रहा, समझी? या तो तुम किसी और से प्यार करती हो, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझसे शादी क्यों की? नहीं मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या मुझे तुमसे कोई प्यार करने का हक नहीं? आखिर कब तक मैं तुम्हारे लिए तरसता रहूंगा? कभी मुझे छूने मिलोगी? नहीं कभी नहीं। शराब पीने से गम दूर नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। शराब पी के गम भुलाने की कोशिश करने से क्या फायदा? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो दोस्त, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। अरे मेरी शादी बर्बादी में बदल गई। अरे जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाता हूँ मुझे धक्के मार के भगा देती है। और तो और, जब आज मैं अपनी बीवी के पास गया और जैसे उसको छुआ उसने फिर मुझे आज धक्के मार के भगा दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और कहती है मुझसे मैं जैसे कूद जाऊंगी, जहर खा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? उसका कहीं किसी और से चक्कर तो नहीं है? नहीं 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 दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्या परेशानी है? तो फिर वो अपनी बात तुम्हारे सामने क्यों नहीं रखती है? अरे दोस्त मैं पूछ पूछ के थक गया, लेकिन वो कुछ बताती नहीं। एक आइडिया आया है मुझे। क्या? ये जो चीज है ना,
जब गले के नीचे उतरती है ना तो सारी हकीकत बाहर आ जाती है। सच। लेकिन क्या बताऊं? तो शराब पीती नहीं। अरे तो पिलाओ ना, धोखे से पिलाओ, फिर देखो उसका जलवा। अच्छा हाँ। एक एक बात सामने रख देगी तुम्हारे। कामिनी, तुझे किसी बात की भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तेरे दिल में कोई भी ऐसी बात है तो मुझे बता दे, हो सकता है मैं तेरी मदद कर सकूं। बात यह है कि अरे नहीं नहीं, मैं तेरी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, बोल तो दो। बोलो। मुझे सिफिलिस है। क्या? ये बीमारी मुझे मेरे माँ बाप से मिली है। ये बीमारी तो गलत संबंधों से होती है। अरे ये क्या हो गया? मैं एक साल से इस बीमारी से परेशान हूँ। मुझे गुप्त अंग में जलन होती है। शर्म के मारे मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। मेरी तकलीफ बढ़ती गई और फिर मेरी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई और शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। मैं बहुत परेशान थी। फिर ये बात मैंने अपनी सहेली को बताई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे। जांच करते ही बताया कि तुम्हारे पैदा होते ही बीमारी तुम्हारे पिता को थी, जो तुम्हारे माँ को लगी और माँ से मुझे लगी। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी तुम्हें बचपन से थी। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी किसी भी उम्र में उभर सकती है और तुम्हारे पति को और होने वाले संतान को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हें दूर रखती थी। कामिनी, मैं तुम्हें गलत समझता था, मुझे माफ कर देना। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके तुम्हारा चेकअप कराऊंगा, तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करना। कामिनी की बात सुनने के बाद मैंने उसको तसल्ली दी और मैंने कहा तू चिंता मत कर। अरे उस दूसरे दिन उसको मैं डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। यानी आपकी बीवी कामिनी अब बिल्कुल अच्छी है? अरे बिल्कुल अच्छी है, आज हम दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्त अशोक भाई, आपको उदास देखकर मुझे टेंशन होती है। आपको एक सलाह दूं, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना चेकअप करा लो, अपना इलाज करा लो, आप भी अच्छे हो जाओगे। और सुनो अशोक बाबू, ये कोई मेडिकल किताब नहीं, ये काम सूत्र की किताब है। इसको पढ़ने से तुम्हें ज्ञान आएगा और इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझकर कबूल कर लो। अशोक बाबू, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो बाय। हाय। मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सो तुमने किसी का कार्ड दिया था, किसी डॉक्टर का? मुझे
मुझे उनका एड्रेस चाहिए था प्लीज। जी अभी बताती हूँ। लिखिए। हाँ बोलो। निदान क्लिनिक, डॉक्टर आर शर्मा, आराधना बिल्डिंग। आप जानते हैं ना वही जो जहाँ मिस्टर खन्ना रहते हैं। हाँ हाँ ओके ओके थैंक यू आशा जी। ओके डॉक्टर आर शर्मा आराधना बिल्डिंग मतलब कीर्ति नर्सिंग होम के बाजू वाली बिल्डिंग। या मिस्टर अशोक मैंने आपका चेकअप कर लिया है और आप में कोई फिजिकल बीमारी नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल जी। जो भी प्रॉब्लम है वो दिमाग में है आपके। आपने मुझे बताया कि आपके बचपन में आपके साथ क्या गुजरा है जी और आपके दिमाग में जो बातें हैं मिस्टर अशोक कहीं ना कहीं आप अभी भी उस बचपन में अटके हुए हैं। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट बट स्टिल आपको वहां से निकलना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम आपका बचपन है। अशोक बाबू कोशिश कीजिए कि आप अपनी पत्नी के करीब जाइए उससे प्यार करने की कोशिश कीजिए। देखिए अशोक बाबू बहुत ही पुरानी बात है शायद आपको सुनने में अच्छी भी ना लगे लेकिन हकीकत है और वो ये है कि सेक्स या सहवास या जो भी कहिए आप वो दो टांगों से भी ज्यादा दो कानों के बीच में होता है। मेरा मतलब दिमाग में होता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड एंड यू आर फिजिकली वेरी हेल्दी पर्सन। आप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अशोक बाबू। सिर्फ एक आदमी आपको हेल्प कर सकता है। वो कौन डॉक्टर साहब? वो है आप खुद। यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं? बिल्कुल ठीक है एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखिए कोई 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 प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए मैं 90% केसेस जो मेरे पास आते हैं सिंपल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये अटके हुए हैं। किसी को बचपन में वही शरारतों को किसी को ये सब दिमाग जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हमको इससे बाहर निकलना है। आप निकल सकते हैं। आपको आप खुद निकलेंगे मुझे कॉन्फिडेंस है आप निकलेंगे। दूसरी बात शराब। आप शराब का सहारा लेते हैं सेक्स करने के लिए। आप कोशिश करते हैं कि शराब पीकर अपनी बीवी के करीब जाने की। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक योर बैरियर। देखिए ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये सोल्यूशन नहीं है ये प्रॉब्लम है। सही मानिए आप शराब के आदि मत बनिए। ठीक है डॉक्टर। समझ रहे हैं? पूरे होश में पूरे सोच के साथ अब अपनी बीवी के करीब जाइए। बीवी को अपनी प्रॉब्लम बताइए उसको अपना दोस्त बनाइए। यू ट्राई टू क्रिएट दैट बॉन्ड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर साहब आई प्रॉमिस यू आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊं कभी भी नहीं। दैट्स इट। अशोक जी एक और बात है। जी डॉक्टर। मैं चाहूंगा कि आप हनुमान पर जाइए। क्या सोच रहे हैं अशोक बाबू? अशोक बाबू मैं हनीमून की बात कर रहा हूं। ना 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 इतना हनीमून के नाम से चौंकने की जरूरत नहीं है। देखिए ये प्रथा हनीमून की जो प्रथा है वो बहुत सोच समझ के बनाई गई प्रथा है। देखिए अशोक बाबू हनीमून का मतलब है कि मर्द और पत्नी को एकांत में अकेले रहने का मौका मिलता है करीब आने का मौका मिलता है अपने आप को समझने का मौका मिलता है। यू गो टू हनीमून
जाइए, सब ठीक होगा। मेरी मेरी बात पर अमल कीजिए। आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। डॉक्टर साहब, आज आपसे मिलने के बाद, आपकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक आम आदमी हूं, एक नामर्द नहीं हूं। आप ये नहीं जानते डॉक्टर साहब कि इस गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी बीवी को बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नो 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 नो, रिलैक्स। मैं बिल्कुल, देखिए, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है सच को बताना। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। ओह थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके बाय। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम अपना सामान पैक कर लो। क्यों? हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। रंजीत, आज के बाद तुम इस घर में कभी कदम नहीं रखोगे। लेकिन ये अचानक ये फैसला क्यों? क्योंकि तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। आखिर मैंने किया ही क्या है? तुम मेरी जुबान मत खुलवाओ रंजीत, तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या किया है। तुम एक नंबर के घटिया और गद्दार इंसान हो। तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो, आज से तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप खत्म। चल ठीक है, चल। एक एक पैसे का हिसाब दो मुझे। चल चल, मेरी बात सुनो। आज सड़क पर लाकर तुम्हें खड़ा कर दूंगा एक दिन। अशोक, कुछ मत सोचो। तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं उतनी बुरी औरत नहीं हूँ। यहाँ देखो, मेरी ओर देखो, तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम जवान हो चुके हो। डॉक्टर ने तुमसे कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम नामर्द नहीं हो। तुम ये सोचो, तुम अच्छे हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अशोक, अशोक, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अशोक, कोई कमी नहीं है तुम में। अशोक, अशोक समझा करो, मेरी बात को समझो। भाभी जी नमस्कार। हम में भी तो कोई कमी नहीं है, हम भी तो पूरे मर्द हैं। जी तुम देखो कैसे काम रहा है ना, मर्दों की तरह। ये आपको ऐसे ही जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। अरे अजय बाबू ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी सेवा में तो मैं जमीन, आसमान, पाताल कहीं भी पहुंच सकता हूँ। मेरी बाहों में आ जाओ
इसे हमेशा के लिए भूल जाओगी। नहीं अशोक, तुम नामर्द नहीं हो, तुम नामर्द नहीं हो, नहीं अशोक, तुम नामर्द नहीं हो, तुम नामर्द नहीं हो, नहीं अशोक, तुम नामर्द नहीं हो, तुम नामर्द नहीं हो, नहीं हो। अच्छा,